सो गाइस, मेरे पास अभी फिलहाल जो है MI का फ़ोन है, जो Redmi 5A है। आपके पास कोई भी फ़ोन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो है अपडेटेड वर्जन जो है अभी 10 का है, तो इसमें हमें FRP बाईपास करना है। अगर आपके पास में कोई भी मॉडल है उसका FRP बाईपास करना चाहते हैं तो इस मेथड को आप यूज़ करिए, आप इजीली FRP बाईपास कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, अगर आपने क्या होगा तो यहाँ से आप डायरेक्टली नेक्स्ट करना है, और उसके बाद जो भी आपकी कंट्री है उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। और उसके बाद जो कोई भी एक नेटवर्क से आप अपने वाईफाई से अपने फ़ोन इस फ़ोन को कनेक्ट कर दीजिए, कोई भी वाईफाई से। तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, आप नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करते ही जाइएगा। और उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, जहाँ पे सेटअप एज न्यू जो है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड में आप डायरेक्टली पासवर्ड आपको पता नहीं होगा तो आप यहाँ पे यूज़ गूगल अकाउंट का जी ऑप्शन, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जा करके आपको देना पड़ेगा आपका पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है, सॉरी आपका जो भी ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी को डालेंगे तभी जाके आपका फ़ोन खुलेगा, अगर नहीं डालेंगे तो नहीं खुलेगा। तो अब खोलना ये है FRP बाईपास करने के लिए, आप यहाँ पे बैक हो जाइए और यहाँ पे देखिए एड नेटवर्क का जो ऑप्शन है जहाँ पे आपने कनेक्ट किया है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप जो है लिख दीजिए, सो आपको यहाँ पे लिखना है youtube.com। YouTube.com लिखेंगे और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे जैसे कॉपी करते हैं उस टाइप का, तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा ये वाला, आपको इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको YouTube में रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ सर्च करना है, जैसे कि आप मेरा ही चैनल सर्च करिएगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी अनुसार लिखना है आपको। जैसे आप टेक्नोलॉजी अनुसार लिख करके सर्च करेंगे तो आपको मेरी जो है ये चैनल आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा नीचे चलेंगे और यहाँ से जो है ये एरो डाउन का जो, इस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा और नीचे चलना है। मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर देखिए ऑल सैमसंग FRP अनलॉक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, पहले एडवर्टाइजिंग आ गई तो मैं इसको काट देता हूँ, और यहाँ पे चलेंगे तो देखेंगे नीचे आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन मिल जाएगी FRP APK डाउनलोड का। तो यहाँ पे देखिए गूगल अकाउंट मैनेजर का जो ये ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कहाँ से ओपन करना चाहते हैं, तो मैं इसे फ़िलहाल क्रोम में ओपन करना चाहता हूँ। तो कुछ परमिशन मांगी जाएगी, अब परमिशन आप गारंटेड कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, नो थैंक्स। उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करने के लिए आ जाए, कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन आया, तो यहाँ पे डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो अब सेव फाइल है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ परमिशन मांगी जाएगी, अब कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए, और उसके बाद ये इसको इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल हो गया, अब इसे ओपन करना नहीं है हमें, बस इसे सही छोड़ देना, बस अब यहाँ पे सर्च बॉक्स में एक और सर्च करना है। आपको यहाँ पे लिखना है क्विक शॉर्टकट मेकर, आपको लिखना है क्विक शॉर्टकट मेकर। जैसे आप लिख के सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा, तो आप प्ले स्टोर वाले पे क्लिक नहीं करना है, आपको कहीं दूसरी जगह पे, जैसे कि चलिए ये वाला जो है इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद जो यहाँ से डाउनलोड का जो ऑप्शन है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ईजिली डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो चुका है, अब इसे हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। जैसे ओपन किए कुछ परमिशन और है इसको अननोन वाले, जो इसको परमिशन दे देंगे, उसके बाद ये इंस्टॉल कर दीजिए। सो गाइस, यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना,
उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे चलना है आपको थोड़ा सा, अगर सर्च में अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको चलना है गूगल अकाउंट मैनेजर, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप ढूंढिए कि कहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए टाइप ईमेल एंड पासवर्ड का जो ये ऑप्शन है ये वाला गूगल अकाउंट मैनेजर पे, आपको इस पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपको ट्राई पे क्लिक करना है। ट्राई पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे थ्री बिंदी जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में टॉप में यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ब्राउजर साइन इन इस पर आपको क्लिक करना है। ओके कर दीजिए और उसके बाद जो है आपको साइन इन करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आपके पास अगर कोई भी एक ईमेल आईडी है तो उस ईमेल आईडी को जब तक आप यहाँ पे डाल दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है न्यू बनाना, अगर आपके पास पुराना कोई है तो वो डाल दीजिए। मेरे पास ये है तो मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद जो है आप यहां से नेक्स्ट कर दीजिए, जीमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट करिए तो पासवर्ड डालने के लिए आएगा, पासवर्ड भी आप डाल दीजिए। उसके बाद आप पासवर्ड डालने के बाद जो है आपको नेक्स्ट करना है, जैसे नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही पासवर्ड डाल करके आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको पीछे की तरफ आपको पुश कर देगा, मतलब आप बैक कर देगा आपको, आपको कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो गया, बस आप यहां से आप बैक हो जाइए जितना भी बैक हो सकते हैं। मैंने पूरा ही काट दिया बीच से, एक मतलब जैसे पासवर्ड डाल के ओके करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर हम यहीं से नेक्स्ट चलते हैं जहाँ से इसको हमने छोड़ा था, तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको जीमेल नहीं मांगा जाएगा, देखिए अभी आपका एकदम सेटअप हो जाएगा, सेट अप एज न्यू। अब जो है आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा जहाँ पे देखिए ओनली हेल्पलाइन एट द रेट जीमेल डॉट कॉम जो है इज रेडी। यहाँ पे मेरा बाईपास हो चुका है, अब हम यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट करना है। पहले जो मांगा जा रहा था ईमेल आईडी वो अब नहीं मांग रहा है। और यहाँ पे फाइनली गाइस हमारा ये सारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पर से नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे नो थैंक्स करता हूँ, उसके बाद जो है मोर एक्सेप्ट, जो भी टर्म कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते रहिए, जो सेटअप आता है आप इजीली कर लेंगे। और यहाँ पे फिनिश हो चुका है फाइनली गाइस, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसे अलाउ कर देता हूँ। और उसके बाद अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है तो मैं इसे भी स्किप कर देता हूं और आप भी स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद यहां पर लॉक पूछ रहा था, मैं फ़िलहाल कोई भी लॉक लगाना नहीं चाहता, नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद जी ओके कर देते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे सेटअप कम्प्लीट बता रहा है। सो गाइस फाइनली ये जो है कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देखिए सारी स्क्रीन भी आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मेरा लॉग जो है FRP बायपास था, लॉग था, सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया, जो कुछ था मैंने डिलीट कर दिया, सारा कुछ डिलीट हो चुका है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर लीजिए, और अभी तक आपने टेक्नोलॉजी अनुसार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस हम वीडियो को यहीं से ख़त्म कर लेते हैं, अगर आपके पास कोई भी और मॉडल है तो कॉमेंट करिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो ला दूँगा।